Hey, good morning everybody. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं गॉडसन रोहित, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गॉडसन क्रिकेट पे। सो आ गई है वो घड़ी जिसको आप सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला, महाफाइनल मुकाबला एसआरएस वर्सेस केकेआर के बीच में। हालांकि ये जो मुकाबला इन दोनों के बीच में होने वाला है, हम मान करके चलेंगे कि आज का जो मुकाबला होगा बड़े टक्कर का मैच होगा, बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा। लेकिन इसी बीच हमें भी नहीं भूलना है कि हमारा भी मौका जो है ये आईपीएल का आखिरी मौका है, और इस आखिरी मौके को हमें भुनाना होगा। ये जो मुकाबला है, शायद मुझे लगता है आज का ये मुकाबला आपके लिए बन सकता है कि आपके जो करोड़ों के सपने हैं उन करोड़ों के सपनों को आज पूरा हो सकता है। आपने तो मुझे पता है तमाम वीडियो को देख लिया होगा कि कैसे कैसे पहले इनिंग अच्छा है कौन है, सेकंड इनिंग अच्छा कौन है, और क्या करना है क्या नहीं करना, तमाम चीजें। लेकिन सवाल यही पड़ता है कि हमें टीम को कैसे बनाना है। टीम को बनाना तो हम जानते ही नहीं, और वो कौन सी टीम होगी जो 11 खिलाड़ी इसमें हम रखेंगे और ग्रैंड लीग जीत जाएंगे। तो मैं आपको आज की वीडियो में वो आपको तरीका सिखाऊंगा कि आपको अपनी टीम की जो फॉर्मेशन करनी, यानी जो बनाना है वो किस तरीके से बनाना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो जो सेफ प्लेयर को लेकर के जो आपने टीम बनाया हुआ है और जिससे उम्मीद कर रहे हो कि आप करोड़ों के ख्वाब पूरे कर दोगे, वो सेफ टीम आपके करोड़ों के ख्वाब को पूरे नहीं करेगा, बल्कि जो आपके लगाए हुए पैसे हैं वो भी वापस नहीं आएगा। मैं आपको जल्द अभी यहां पे टीम बना के दिखाऊंगा। 90% जनता आज के मैच के लिए उसी टीम के साथ जा रही है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस 90% जनता में मत अपने आप को शामिल करना, वरना ऐसा होगा कि आपके ख्वाब तो टूटेंगे टूटेंगे शाम होते होते, और साथ ही साथ ये भी होगा आपके लगाए पैसे वापस नहीं आएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको टीम बनाने का तरीका सिखाऊंगा जो आपके करोड़ों के ख्वाब को पूरा करेगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे चार प्लेयर होंगे जो आपके तकदीर को बदल सकते हैं, वो चार खिलाड़ी वो आपको मैं आज के मैच में बताऊंगा जो आज ही के दिन में आपके करोड़ों के ख्वाब को पूरे करेंगे, और आपके जो सीमेंट बालू के जो आपके घर होंगे, हो सकता है कि आज के मैच के बाद आपके ग्रेनाइट मार्बल या टाइल्स वाले आपके घर बन जाएंगे, क्योंकि वो करोड़ों के ख्वाब वो चार खिलाड़ी जरूर होंगे जो पूरे कर सकेंगे। डिटेल में एक एक चीजें बताऊंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन वो बताऊंगा जो 90% जनता सोच रही है और आप भी सोचोगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको ग्रैंड लीग जिताएगा और आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहो। लेकिन ध्यान देना, हमें उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है जो 90-95% जनता नहीं सोच रही। अगर हम भी वही भेड़ चाल में चलते हैं, वही सोचते हैं, उसी दिशा में जाते हैं जहां 95% जनता जा रही है, तो नतीजा वही होगा कि मेरे भाई कि जो 90% वालों को पैसा लगा के पैसा वापस आता है वही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको पैसा लगा के करोड़ों जीतना है, आपको थोड़ा सा भेड़ चाल से अलग अपनी रास्ते को बदलना होगा, अलग सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स होता क्या है पूरे डिटेल में मैं आपको एक एक चीजों को बताऊंगा। जबरदस्त वीडियो होने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल पे पहली बार आओगे सब्सक्राइब जरूर से कर देना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को हिट कर देना। आज के मैच के लिए मैंने आप लोगों के लिए गिव अवे रखा हुआ है। आज आईपीएल का आखिरी मुकाबला है, सो आज के मैच के लिए मैंने आप लोगों के लिए गिव अवे रखा हुआ है, और गिव अवे की जो प्राइज है वो 50 रुपए नहीं, 500 रुपए नहीं, बल्कि 5000 रुपए। और सवाल क्या है? सवाल सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल। अब चलो बात करते हैं आज के मुकाबले की। आज का जो मुकाबला होने वाला है एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में होने वाला है। हालांकि लोगों को तो और बीसीसीआई को लगा था कि शायद महेंद्र सिंह धोनी की टीम फाइनल में पहुंचेगी, इसलिए फाइनल का मुकाबला इन्होंने कहां सेटअप कर दिया था? चिदंबरम यानी चेन्नई में सेटअप कर दिया था, वरना आपको पता है एडन गार्डन या फिर मुंबई के वानखेड़े में ही फाइनल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चेन्नई तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये दोनों टीमें डिजर्विंग है जो यहां पे पहुंची हैं, इनके बारे में बात करते हैं। यहां की पिच की बात करेंगे तो यहां पे चेन्नई जब 3 बार यहां पे खेली थी पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो 200 से ज्यादा का रन बनाई थी। लेकिन उस 200 से ज्यादा के रन में बाकी टीमें जब सेकंड इनिंग में आके खेलती हैं तो वो 135, 45, 55, 70 ऐसे करके वो रह जाती हैं। सिर्फ एक बार होता है कि एलएजी उस 200 के टारगेट को क्या कर लेती है, चेस कर लेती है। तो ये रहा 200 वाला मुकाबला। एक पिच ऐसे भी देखने को मिलती है जहां पे हमें 160, 140, 175 वाला, यानी पिछले तीन मुकाबले को अगर हम देखें, एक में 160 बना, एक में 140 बना, और पिछला वाले में 175 बना। 175 वाले में आपको क्या देखने को मिला था, इस लर्निंग को ले लो, पिछले 175 वाले में काली मिट्टी थी, एकदम डार्क डार्क काली मिट्टी वहां पे नजर आ रही थी, और क्या देखने को मिला था, पहले इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक थी और 175 बन गया था, लेकिन उस बल्लेबाजी वाले पिच पे जो भी विकेट गिरे थे वो किसने गिराया था, पेसर ने गिराया था, टोटल विकेट पेसर ने गिराया था। और सेकंड इनिंग आते आते क्या हो जाती है, पिच क्या हो जाती है, स्लो होते चली जाती है, स्लो होते चली जाती है। और ऐसे में अभिषेक शर्मा और शहबाज खान शहबाज अहमद, और आपको अच्छे तरीके पता है यार कि शहबाज अहमद को मैंने क्या बोला था, राजस्थान रॉयल्स में सिर्फ राइट हैंडर्स बल्लेबाज हैं, शहबाज अहमद पे कोई नजर नहीं रख रहा है, आप शहबाज अहमद पे नजर रखो। क्योंकि मैं आपको क्या बताया था कि दो इनिंग यहां पे जो 160-140 वाली जो मैच हुआ था उसमें दो इनिंग जो हुई थी उसमें एक इनिंग में पहले इनिंग की बात करो तो 3 विकेट और दूसरे इनिंग की बात करो तो 3 विकेट गिरा था, तो किसी न किसी इनिंग में 3 विकेट तो गिर रहा था। और अगर आप मान के चल लो कि एसआरएच की तरफ से
अगर कोई ऐसा गेंदबाज है जो 3 विकेट लेके जा सकता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि शहबाज था वो गेंदबाज। तो उस मैच में मैंने आपको गारंटी दिया था कि शहबाज, क्यों? क्योंकि सामने कौन था? राइट हैंडर। आज के मैच में भी आपको मैं ऐसे प्लेयर की गारंटी दूंगा जो इसी के अंदर छुपा पड़ा हुआ है, कोई इसके ऊपर नजर रख नहीं रहा है, जनता उसको टीम में रख नहीं रही है, लेकिन आज वो लड़का शिरोमणि बन सकता है। और सिर्फ ट्रंप कार्ड प्लेयर ही नहीं, सिर्फ वो डीटी का हिस्सा नहीं, बल्कि आज वो दावेदारी भी है कैप्टन वाइस कैप्टन की। अगर आप में जिगरा होगा, दम होगा, उसको एक मैच में जरूर बना देना, क्योंकि अगर वो चल गया तो मैंने बताया ना कि आपके सीमेंट के और आपके जो भी सीमेंट का जो भी घर होगा, जो भी होगा, उसको टाइल्स, पत्थर और ग्रेनाइट में कन्वर्ट वो कर देगा, वो ऐसा खिलाड़ी है, डिटेल में बताऊंगा। तो देखो क्या है, स्पिन का 2 मैच में हमें दबदबा देखने को मिला है, सेकंड इनिंग में खासतौर से दबदबा देखने को मिला है। और अगर काली मिट्टी आ जाएगी तो सेकंड इनिंग को पकड़ लेना, काली मिट्टी आ जाएगी तो पहली इनिंग के पेसर्स को पकड़ लेना, काली मिट्टी आ जाएगी तो पहली इनिंग के बल्लेबाज को पकड़ लेना, और काली मिट्टी आ जाएगी तो मान लेना कि सेकंड इनिंग के बल्लेबाजों को हमें कम रखना है। देखो डिटेल में बहुत सारी बातें बताता हूं, थोड़ा सा फास्ट बोलता हूं लेकिन चीजें बहुत ज्यादा बताता हूं, मेरे साथ पूरी तरह बने रहो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टीम बनाना है। अब पिच 200 वाली निकल जाती है या पिच 160, 140, 175 वाली निकल जाती है, कौन सी निकलती है वो तो शाम को पता चलेगा ना, इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि पिच की रिपोर्ट को जानना। और पिच की रिपोर्ट के अलावा वेदर की रिपोर्ट को जानना। संजू सैमसन गच्चा खा गए थे, धोखा खा गए थे, उनको लगा था सेकंड इनिंग में ड्यू आएगा, और ये ड्यू के वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, टॉस जीत करके एसआरएच को बोला कि तुम आगे बल्लेबाजी करो। तो अगर ड्यू आ जाता है तब तो ये सही है कि टॉस जीत करके यहां पे क्या कर लो, गेंदबाजी कर लो, लेकिन अगर ड्यू नहीं आता है तो टॉस जीत करके सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना चाहेगा कप्तान। और अगर ड्यू नहीं आता है, अगर ड्यू आता है तो सेकंड में बल्लेबाजी करना चाहेगा, ड्यू नहीं आएगा तो पहले इनिंग में बल्लेबाजी करना चाहेगा कोई भी कप्तान, इस बात का ख्याल रखना। तो चलो सारी बातों को, पिच रिपोर्ट को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, फाइनल टीम जो दूंगा मैं वहीं पे दूंगा। चलो डिटेल में आप समझते हैं, लास्ट मैच की बात करो, मैंने क्या बताया था, हेड को रखना, अभिषेक को रखना, क्लासेन को अपनी टीम में रखना वो बहादुरी नहीं होती है, क्योंकि 78% जनता, 82% जनता, 89% जनता उनको टीम में लेकर के चल रही है, लेकिन आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो आपको रिस्क लेते हुए आपको इन खिलाड़ियों में से उड़ाना होगा। अब लेट सपोज मान के चलते हैं कि अगर क्या है कि क्या टॉस जीतती है, टॉस जीत करके ये पता चलता है कि शुरुआत में क्या यार गेंदबाजों को मदद है, बिल्कुल मदद है, तो ऐसे में आपको अपने जिगरा, अपने कलेजा को मजबूत करते हुए हेड और अभिषेक में से एक को उड़ाना होगा, डेफिनेटली एक को उड़ाना ही उड़ाना होगा। और अगर लगता है कि नहीं मदद ज्यादा है और आपको लगता है कि मिचेल स्टार फिर से खतरनाक हो जाएगा जिस तरीके से पिछले मैच में इन्होंने हेड को बोल्ड मारा था, हेड की कमजोरी नजर आने लगी है स्पिन के खिलाफ, पहले कमजोरी नजर आई थी मिडिल में, आईपीएल के मिडिल में, फिर पिछले कुछ मैच से लेफ्ट हैंडर के खिलाफ इनकी कमजोरी उजागर साबित हो गई, लेफ्ट हैंडर पेसर के खिलाफ। ऐसे में मिचेल स्टार वर्सेस हेड दोबारा से नजर रखना, जब जब मुकाबला हेड और स्टार का हुआ है, 4 से 5 बार मुकाबला हुआ है, आमना सामना हुआ है, 4 से 5 बार हेड पे भारी साबित हुए कौन, मिचेल स्टार। तो इस बात का ख्याल रखना, भारी तो साबित हुए मिचेल स्टार, लेकिन ये भी मान के चलना है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल है, एक मैच में जरूर ऐसा मान के चलेंगे कि हो सकता है कि आज स्टार की यार फेल हो जाए, बिल्कुल स्टार क्या हो जाए, फेल हो जाए। हालांकि स्टार का परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन अगर आप देखोगे 70% है, मैच दर उनका क्या हो रहा है, परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती जा रही है, और ये पता है बड़े स्टेज का आपको हीरो माना जाता है, लेकिन आज के मैच में आपको मानना पड़ेगा कि शायद हो सकता है हेड क्या हो इनके ऊपर भारी पड़ जाए। और हो सकता है अभिषेक शर्मा, आप समझ लो अभिषेक शर्मा तो बॉलिंग में कर रहे हैं, बॉलिंग से पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन मुझे आज के मैच में ना इनको बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कि मुझे आज बॉलिंग करते हुए नजर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पिछली टीम थी वो राजस्थान रॉयल्स थी, राइट हैंडर से भरी हुई थी, लेकिन आज के मैं देखो तो लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर कई सारे हैं, जैसे आप नारायण को ले लो, वेंकटेश अय्यर को ले लो, नीतीश राणा को ले लो, रिंकू सिंह को ले लो, ये सब के सब लेफ्ट हैंडर है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा आज गेंदबाजी नहीं करेंगे, तो अगर शुरुआत में मदद मिलती है गेंदबाजों को तो आपको हेड और अभिषेक में से उड़ाना ही उड़ाना होगा, और थोड़ी सी अगर ज्यादा मदद दिखाई देती है तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश आपको हिम्मत दिखाते हुए आपको एक नहीं बल्कि दो दो प्लेयर को उड़ाना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या था, सीन क्या बन रहा था कि जब जब हेड और अभिषेक में से एक को उड़ा रहे थे तो हम किसको टीम में रख ले रहे थे, त्रिपाठी। दोनों के दोनों मुकाबले मैंने आपको सिखाया था इनके दोनों मुकाबले में कि एक को उड़ाना त्रिपाठी को उड़ा देना ट्रम्प कार्ड बन जाएगा, और यही कारण है कि त्रिपाठी देखो दोनों मैच में चला भी है, अब धीरे धीरे करते करते कितना परसेंट पहुंच गया, 52% पे पहुंच गया वो, शुरुआत में क्या था कम प्रतिशत था, मतलब बहुत कम था, अब धीरे धीरे त्रिपाठी जी क्या हो गए बढ़ गए। लेकिन ध्यान देना टीम कैसे बनाना होगा, हेड और अभिषेक को अगर आप दोनों को टीम में रखते हो तो ऐसे में आपको त्रिपाठी को क्या करना पड़ेगा, उड़ा देना पड़ेगा, बिल्कुल उड़ाना पड़ेगा। दूसरा तरीका सीखो, दोनों में से एक को उड़ाते हो तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिपाठी को टीम में डाल देना पड़ेगा, बिल्कुल टीम में डाल देना ही पड़ेगा। और एक टीम ऐसी समझना, एक टीम ऐसी जरूर बना लेना कि क्या पता यार कुछ ऐसा उलटफेर हो जाए कि हेड अभिषेक तो आउट होंगे ही होंगे और साथ ही साथ आज त्रिपाठी भी नहीं चलेंगे, एक बात को मान लेना। और ऐसे में ये रेड्डी 36% में मिल रहा है, मार्करम किधर है, मार्करम ये 15% में मिल रहा है,
क्लास 89 पे मिल रहा है और सहमत और शहबाज में से एक खिलाड़ी होगा जो जरूर बड़ा करेगा। शहबाज पे तो सबकी नजर है, समद के ऊपर किसी की नजर नहीं है। आज समद वो प्लेयर बन सकता है, बिल्कुल आज वो समद प्लेयर बन सकता है। मैं बताना चाहूंगा शहबाज के ऊपर लोगों की बड़ी नजर है, आज की मैच में बोलूंगा कि थोड़ी सी नजर को अपनी कमजोर कर लेना शहबाज के ऊपर। और शहबाज के जैसा एक प्लेयर मैं आपको बताता हूं जो उससे भी कम परसेंट में मिल रहा है, और जिस तरीके से शहबाज पिछले मैच में हीरो साबित हुआ, आज के मैच का वो शिरोमणि, छुपा हुआ शिरोमणि जो मैंने शहबाज को बताया था, इसी के अंदर छुपा हुआ शिरोमणि है, आज के मैच में वो हीरो बन सकता है। डीटी का हिस्सा तो बनेगा ही बनेगा, कलेजा जीगरा होगा आपके पास तो उसको कैप्टन वाइस कैप्टन एक टीम में बना देना जो भी सही लगेगा। अगर वो आज चल गया, बवाल कर दिया, तो आपकी रैंकिंग को बवाल करेगा और आपके जो ख्वाब है करोड़ों के वो पूरा करेगा। और वो खिलाड़ी कोई और नहीं है बल्कि है एडन मार्करम। यस, आज के मैच में मुझे गेंदबाजी करता हुआ नजर कोई आ रहा है तो वो मुझे एडन मार्करम नजर आ रहा है। खास तौर से सेकंड इनिंग के अंदर अगर इनको गेंदबाजी का मौका मिल जाता है तो मार्करम को कैप्टन बना देना, बिल्कुल कैप्टन बना देना। मार्करम चौथे नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे, हालांकि मैंने थोड़ा जिगजैग ऊपर नीचे कर दिया है, यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन मार्करम चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने आएंगे और साथ ही साथ गेंदबाजी भी करेंगे। क्यों? क्योंकि सामने कौन है? नारायण। सामने कौन है? वेंकटेश अय्यर। सामने कौन है? नीतीश राणा। सामने कौन है? रिंकू सिंह। और जरूरत पड़ी तो मिचेल स्टार्क भी नीचे, बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत नीचे है, लेकिन चार चार बल्लेबाज ऐसे टॉप बल्लेबाज दिख रहे हैं जो ऊपर में आते हैं और उनके सामने एक ऑफ स्पिनर चाहिए और ऑफ स्पिनर तो उनके पास है ही नहीं है। कौन है? एडम मार्करम। और जरा ये देखो जनता को, मात्र मार्करम का प्रतिशत जो है वो 15% है, मात्र 15% है, लेकिन जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है। शहबाज का भी पिछले मैच में 15% था, लेकिन मैंने बोला था रख लेना भैया, छुपा हुआ है कोई देख नहीं रहा उसको रख लेना। आज मार्करम छुपा हुआ है, कोई नजर नहीं रख रहा, आप उसके ऊपर रख लेना, बिल्कुल रख लेना शहबाज, ठीक है। अब चलो बाकी का क्या है, रेड्डी का पता है, रेड्डी पांचवें नंबर पे आ गए हैं, थोड़ा सा फ्लॉप चल रहे हैं, इस वजह से उनको क्या कर रहा है, टीम गैप कर रहा है और फॉर्म भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, लड़खड़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत कितना है? 65% है। और ध्यान देना गेंदबाज कितने हैं इनके पास, नटराजन, उनाडकट, भूवी और कमिंस, चार गेंदबाज प्रॉपर है। लेफ्टी सामने ज्यादा है, शहबाज के चांसेस कम है, लेफ्टी सामने ज्यादा है, अभिषेक के चांसेस कम है, तो ऐसे में मार्करम, और मार्करम के साथ अगर कोई ओवर आज के मैच में फेंक सकता है वो कौन है? रेड्डी। रेड्डी आज गेंदबाजी बिल्कुल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। और ऐसे में रेड्डी अगर पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हैं और सेकंड इनिंग में आकर के गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग का जो गेंदबाजी हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक हो रहा था, ऐसे में सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करते हैं और पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हैं तो आज के रेड्डी बन जाएंगे आपके क्या, ट्रम्प कार्ड प्लेयर ही नहीं बनेंगे, ट्रम्प कार्ड आपके वाइस कैप्टन या वाइस कैप्टन या कैप्टन बनेंगे। मैंने क्या बताया था, मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन वो तो बताऊंगा जो जनता देख रही है, बना रही है, अगर वो जनता बना रही है जिनको, और आप भी बनाते हो और वो चलते भी हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला, घंटा मिलने वाला है, जितना पैसे लगाओगे उतना ही वापस आएगा। क्यों? मैं आपको गुड़ा गणित मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ऐसे खिलाड़ी को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो जिनका प्रतिशत कम है लेकिन मौके जो उनके मिलने वाले हैं वो बहुत ज्यादा मौके मिलने वाले हैं, तो ऐसे खिलाड़ी को पकड़ा करो ना। रेड्डी को मौके नहीं मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे, बैटिंग हो चाहे बॉलिंग मौका मिलेगा, प्रतिशत कितना है? 36%। मार्करम को देखो चौथे नंबर पे आ रहा है, गेंदबाजी भी कर सकता है, लेफ्टी वाला फैक्टर बताया, तो परसेंट कितना है? 15%। क्या मौके नहीं मिलेंगे? बहुत मौके मिलेंगे। ऐसे खिलाड़ी को पकड़ो, ऐसे खिलाड़ी को चलवाओ, वरना आपको सुरक्षित खेलना है तो फिर वही है, रसल आपके पास पड़ा हुआ है, नारायण पड़े हुए हैं आपके पास, मिचेल स्टार्क पड़े हुए हैं, हेड पड़े हुए हैं, अभिषेक पड़े हुए हैं, तो ये वो खिलाड़ी हैं, पकड़ लो, सेफ कैप्टन की सूची मैंने दे दी है। लेकिन मैं आपको ट्रम्प वाइस कैप्टन और कैप्टन बता रहा हूं जिनके बारे में जनता नहीं सोच रही है, मैं सब बताऊंगा और फिर मैं आपको रिस्की भी बता दूंगा, लास्ट में रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन बता दूंगा, बने रहो मेरे साथ, ठीक है। अब इतना हो गया ना सबका, क्लासन वगैरह तो रखना ही है, पहले इनिंग के लिए खास तौर से रखना है, अगर रिस्क लेना होगा तो सेकंड इनिंग में रखना, क्योंकि जो एवरेज है सेकंड इनिंग का वो कितने का है? 31 का है। समद का देखो, समद का सीन मैंने बताया ना, 1-2-3 जिसमें उड़ाओगे टीम, अगर आप बनाओगे ऐसी रिस्की जिसमें तीनों को उड़ाओगे, समद उस मैच का हीरो बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, डाउन डी ऑर्डर 3%। और मुझे लगता है समद पे क्या है ना, मैं आपको सीन बताता हूँ, विकेट तो गिर रहा है यार, 175 जब बनाई हैदराबाद तो भी विकेट गिरा, सेकंड इनिंग में जब राजस्थान रॉयल्स आई खत्म हो गई तो भी विकेट गिरा ही गिरा, तो समद की तो बल्लेबाजी आने वाली है, इस बात की तो गारंटी है, पूरी 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 गारंटी है समद की बल्लेबाजी आने वाली है। अब सवाल ये है कि रखना आपको है कि नहीं है, अगर रख दिए और ये लड़के ने 30-32 रन मार दिया, प्रतिशत कितना है? 3%, मात्र 3 करोड़ का, या 2 करोड़ का 3%, 2 करोड़ का 3% कितना हुआ? 3 × 6, 6 लाख, मात्र 6 लाख लोगों ने समद को टीम में रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अगर ये डीटी का हिस्सा हो जा रहा है तो आपका कंपटीशन कितने लोग से होगा? मात्र 6 लाख लोगों से, सिर्फ 6 लाख। और ऐसे में अगर आपने रेड्डी या मार्करम में से किसी एक को वाइस कैप्टन बना दिया तो आपका कंपटीशन क्या होगा? और भी ज्यादा कम होगा, मतलब मेरे को लगता है 50,000 लोगों से हो जाएगा,
समझ लो, इन दोनों को रखोगे वाइस कैप्टन तो 50,000, और फिर आपका कैप्टन चल जाएगा तो आप एकदम एकदम घुस जाओगे टॉप 10 के अंदर, एकदम डुबकी लगा लो टॉप 10 के अंदर। अब टॉप 10 के अंदर आपकी लड़ाई होगी कि आप चौथे नंबर पे आते हो, एक नंबर पे या 10 नंबर पे, बट मैं आपको पहुंचवाऊंगा, करीब पहुंचवाऊंगा, मेरे साथ बने रहो, मैं तरीका सिखा रहा हूं, बाकी ऊपर वाला जानता है किस्मत क्या है। ठीक है, कमेंट्स का क्या है, ट्राई करना होगा तो पहले ही में ट्राई करना 26%, सॉरी पहले इनिंग में नहीं, सेकंड ही में ट्राई करना, हर 17 गेंद पे क्या करते हैं स्ट्राइक कर जाते हैं, कमेंट्स को मौका मिलने वाला है, एक्स फैक्टर ये साबित होने वाला है, क्योंकि बल्लेबाजी भी करेगा डाउन डी ऑर्डर, आपको पता है सेकंड इनिंग में गेंदबाजी मिले करेगा, और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी को मदद भी है, इस बात का ख्याल रखना, हालांकि स्पिनर को ज्यादा है और पहले इनिंग में पेसर को ज्यादा है, लेकिन सेकंड इनिंग के लिए कमेंट्स क्या है बिल्कुल अच्छे है। भूवी की बात करते हैं यार, भूवी देखो प्रतिशत बहुत कम है यार, भूवी का प्रतिशत 19% है, पिछले 3-4 मुकाबले से कुछ खास कर नहीं रहे, लेकिन बड़े प्यार से इस बात को समझ लो, भूवी का रिकॉर्ड केकेआर के हर एक बल्लेबाजों के खिलाफ बड़ा ही अच्छा है। तो पहला प्लेयर जिसके ऊपर आपको अपनी आंखों को नजर रखना नहीं चाहिए बल्कि गड़ा देनी चाहिए, वो कौन है, भूवी। दूसरा प्लेयर उनाडकट, उनाडकट ये दूसरा प्लेयर है उनाडकट जिसके खिलाफ केकेआर वालों का रिकॉर्ड क्या है, बड़ा खराब है। तीसरा प्लेयर है नटराजन, नटराजन जिसके खिलाफ केकेआर के बल्लेबाजों का रिकॉर्ड बड़ा ही ज्यादा खराब है। एक बात समझ रहे हो, उनाडकट है लेफ्टी, नटराजन है लेफ्टी, यानी जिस तरीके से एक समय ऐसा माना जाता था इंडिया टीम का लेफ्ट हैंडर के खिलाफ थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब है, उसी प्रकार केकेआर वालों का जो रिकॉर्ड है वो उन लेफ्टी वालों के खिलाफ क्या है, बड़ा ही खराब है। तो लेफ्टी कौन है, उनाडकट, लेफ्टी कौन है, नटराजन, लेकिन भूवी के भी खिलाफ इनका रिकॉर्ड क्या है, बड़ा खराब है, सबको लपेटे में लिया है, उनाडकट हो, भूवी हो, नटराजन हो, इन तीनों ने केकेआर के हर एक प्लेयर को लपेटे में लिया हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको इस बात पे नजर रखनी चाहिए कि केकेआर के बल्लेबाजों का इन तीनों के खिलाफ रिकॉर्ड क्या है, बहुत ही वाहियात है। तो आज के गेम चेंजर अगर कोई बन सकते हैं वो है भूवी, उनाडकट और नटराजन, लेकिन आपके लिए समझने और सीखने वाली बात क्या है, भूवी का प्रतिशत क्या है 19%, उनाडकट का प्रतिशत क्या है 6%। इन दोनों में से अगर कोई बड़ा कारनामा करता है, लेट सपोज 3 विकेट वाला कारनामा कर देता है, पहले इनिंग में पेसर्स को मदद है और सेकंड इनिंग में मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा, पिच थोड़ी सी स्लो होगी, तो स्लो में क्या हो जाएगा, उनाडकट मारेंगे ये वाला खट 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 खट, उनाडकट के नाम क्या है, क्या है कट, और वो भी मारेंगे क्या कटर, तो कटर वाले जो सेकंड में फेंकेंगे बड़ा काम का होगा, क्योंकि क्या होगा पिच स्लो हो जाएगी, काली मिट्टी वाली बात कर रहा हूं जो कल मिट्टी थी। ऐसे में देखो ये प्रतिशत कितना है 6, देखो यार वीडियो लंबी होगी लेकिन सब एक एक बात को नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलोगे आपको फायदा होगा, स्किप कर करके देखोगे तो फिर भाई मैं क्या ही बोलूँ, कोई फायदा नहीं होगा, समझदार मनुष्य के लिए क्या है इशारा काफी है, ध्यान से देखो। और चैनल में पहली बार आएगा ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतना सिखाने वाला डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना सिखा तो देता हूं कि डिजिटल बोर्ड वाला भी इतना नहीं सिखाएगा, जितनी चीजें मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो भूवी और उनाडकट ये आपके बन जाते क्या ट्रम्प कार्ड प्लेयर, ये दो ट्रम्प कार्ड प्लेयर यहां से दिख गए। तीसरा ट्रम्प कार्ड प्लेयर मैं आपको बता देता हूं कौन है, रेड्डी। अब रेड्डी का प्रतिशत कम हो गया इसलिए क्या हो गया ट्रम्प कार्ड बन गया है। और चौथा ट्रम्प कार्ड कौन सा बन गया है, मार्करम। मार्करम प्रतिशत कितना है, मार्करम का प्रतिशत देखो मात्र 15% है, इसलिए मार्करम बन जाते हैं क्या ट्रम्प कार्ड नंबर 4। अब मैं इधर आता हूं, इधर से मैं आपको ट्रम्प कार्ड बता देता हूं, इधर से ट्रम्प कार्ड हो जाएंगे आपके नीतीश राणा, थोड़ा सा फास्ट करते हैं वीडियो लंबी हो रही है, नीतीश राणा हो जाते हैं, इधर से आ जाओ तो आपके हो जाते हैं राणा, कौन से राणा, एक तो नीतीश राणा बल्लेबाज और राणा, और एक ये राणा कौन है हर्षित राणा, हर्षित राणा इधर से मिल जाते हैं, एक है वैभव, वैभव अरोरा 7, और एक और प्लेयर मैं आपको देना चाहता हूं क्या, नहीं बस वैभव अरोरा यहां से निकल गए, नीतीश राणा यहां से निकल गए, और ये नीतीश राणा यहां से निकल गया, हर्षित राणा, 3 प्लेयर ये निकल गए, नीतीश राणा, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, ये वो प्लेयर है जो आज के मैच में क्या होंगे ट्रम्प कार्ड प्लेयर, यहां से रेड्डी मार्करम ऑलराउंडर में हो जाएंगे ट्रम्प कार्ड प्लेयर, बिल्कुल हो जाएंगे, और यहां से देख लो गेंदबाजी में देख लो ये 3 क्या हो जाएंगे ट्रम्प कार्ड, यानी टोटल 7 ट्रम्प कार्ड मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा एक और ट्रम्प कार्ड होगा जो मैं आपको हो सकता है कि आगे चल के दूं या फिर टेलीग्राम पे दे दूं, और इन 8 ट्रम्प कार्ड प्लेयरों में से 4 वो कौन से ट्रम्प कार्ड होंगे जो सबसे जबरदस्त होंगे, पूरी टीम की कॉम्बिनेशन कैसे इनको एडजस्ट करना है वो मैं सब आपको सिखाता जाता हूं, घबराना नहीं, बताना एक एक चीजों को बताता हूं। अब देखो और क्या बताऊं, ये इनके तरफ बता देता हूं। ठीक है, गुरबाज का देखो, गुरबाज का क्या है कि 22-23 का एवरेज है, एवरेज तो कुछ खास है नहीं, लेकिन वही है कि आज के मैच में आपको ट्राई करना चाहिए। गुरबाज ऐसा बल्लेबाज है जिसपे बहुत जिम्मेदारियां नहीं है और बिंदास होकर के बेफिक्र होकर खेलता है, ऐसे में गुरबाज वो प्लेयर बन सकता है ना जो आपके ख्वाबों को पूरा कर सकता है। बिल्कुल, नजरें किसके ऊपर है, नारायण के ऊपर है, लेकिन मैं बोलूंगा कि नारायण के ऊपर नजर रखो, वो डीटी का हिस्सा होगा, लेकिन पिछले 2 मैच से देखो बल्लेबाजी से नारायण क्या हो रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं,
आज के मैच में चल सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी नजर गुरबाज के ऊपर होगी, क्योंकि गुरबाज चलेगा तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। गुरबाज का प्रतिशत कितना है, 51% है, यानी आधा आधा ही लोग जनता है जिन जो इनके ऊपर क्या कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर भी परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। गुरबाज को ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नारायण तो पूछना नहीं, आपको रखना ही रखना है। अय्यर और श्रेयस अय्यर मतलब एक तो वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर। वेंकटेश अय्यर को आप सेकंड इनिंग में, श्रेयस अय्यर को सेकंड इनिंग में, तो ध्यान देना केकेआर के जो बल्लेबाज है वो सेकंड इनिंग के फेवरेट है। आप ध्यान से देख सकते हो, देख लो यहाँ पे गुरबाज 23 का एवरेज है, अय्यर वेंकटेश अय्यर 32 का है, श्रेयस अय्यर 36 का है, नीतीश राणा 35 का है, रिंकू 47 का है। यानी जो ये वाले जो बल्लेबाज है ना, क्या बोलते हैं, केकेआर के जो बल्लेबाज है ये सेकंड इनिंग के फेवरेट है। सेकंड इनिंग में ज्यादा ट्राई किया जा सकता है, बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है, पहले इनिंग की तुलना में सेकंड इनिंग में ज्यादा ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब ट्रम्प कार्ड प्लेयर मैंने बता दिया नीतीश राणा होंगे, श्रेयस अय्यर वेंकटेश अय्यर में से एक ही चलेगा, और पावर प्ले के अंदर देखना एक विकेट जरूर गिरेगा। गुरबाज और नारायण में से एक बल्लेबाज जरूर होगा जो पावर प्ले के अंदर मुझे आउट होता दिखाई दे रहा है, नो डाउट हो सकता है कि शायद दो भी आउट हो जाए, तो पिच के रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पिच की रिपोर्ट अगर आती है ऐसी तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि पावर प्ले में एक विकेट गिरेगा या दो विकेट गिरेगा, बट फिलहाल के लिए एक विकेट क्या है, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। और बाकी चीजें जितना है मैंने सारे खिलाड़ी को बता दिया है। ये ट्रम्प कार्ड की मैंने आपको सूची दे दी है, ट्रम्प कार्ड की सूची है, कैप्टन वाइस कैप्टन की जो सूची में है वो आपको दे देता हूं कि सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है, मैं आपको उसकी सूची देता हूं, देख लो कौन कौन से है। वो ऑब्वियस सच चॉइस है, आप जानते हो कौन कौन से है, रसल, नारायण, अभिषेक, हेड, कौन है, रसल, नारायण और हेड और अभिषेक, ये चार सबसे प्रबल दावेदार हैं। ऑलराउंडर ये दो हैं और दो क्या है, बल्लेबाज है, ये प्रबल दावेदार, ये सबसे सेफ आपके मुझे यही नजर आते हैं। लेकिन मैं अगर अपना, अगर मैं आपको दिमाग चलाऊं और ट्रम्प कार्ड कैप्टन वाइस कैप्टन की मैं आपको सूची अगर जारी करके दूं तो मुझे क्या क्या लगता है वो मैं बताता हूं। मार्करम, मतलब ये वो हैं जिनके ऊपर नजर नहीं है। राणा, कौन सा राणा, नीतीश राणा नहीं, ये हर्षित राणा की बात कर रहा हूं मैं, ओके। और रेड्डी, इधर से मैंने निकाला मार्करम, और इधर आओ तो कौन था, हर्षित राणा, ठीक है। और एक बल्लेबाज, एक प्लेयर और मैं दे देता हूँ, इधर से देता हूँ, रुक जाओ, वो कौन सा प्लेयर है, यस, उनाटकट या नटराजन, ये ऊना या नट, उनाटकट या नटराजन में से एक प्लेयर आज के मैच का ट्रम्प कार्ड वाइस कैप्टन बन सकता है। तो ये चार मैंने दे दिया, ठीक है, चार मैंने आपको दे दिया है। अब चार में से आप किसके ऊपर नजर रखना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसको बनाना चाहते हो, किसको नहीं बनाना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि चार। और एक और अय्यर, कौन सा अय्यर, दोनों में, दो अय्यर में से जो भी आप एक रखोगे वो एक बन जाएगा ट्रम्प कार्ड वाइस कैप्टन। तो ये पांच मैंने ट्रम्प कार्ड वाइस कैप्टन दे दिया, चार मैंने सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन दे दिया, और ये सात से आठ प्लेयर वो थे जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर थे और यही आज गेम चेंजर होंगे। और ध्यान देना हाई परसेंटेज के ऐसे कुछ प्लेयर जरूर होंगे जिनको ड्रॉप कर चलेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, लाइट की भी देख रहे हो सिचुएशन थोड़ी सी खराब है हमारी तरफ, तो इन्वर्टर पे मैंने बहुत सारी लाइट को सेट कर दिया, लाइटिंग सही नहीं चल रही है, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हो सकता है कि मैं शाम को यूट्यूब पे लाइव आ जाऊँ। और जैसे मैंने पिछले मैच में छह टीमें मैंने लाइव में आकर के बताया था आपको, पांच से छह टीमें लाइव में आऊंगा, आगे बता दूंगा, और अगर यूट्यूब पर नहीं है तो टेलीग्राम पे मैं लाइव आऊंगा और मैं आपसे बातें करूंगा, बातें करके टीम आपके साथ मिलकर बनाऊंगा। और आपको पता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर आसाम तक देश के कोने कोने से लोग वहां पर जुड़ते हैं और हम सब मिलकर के बातें करते हैं, टीम को वहां बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखोगे और यहां पर जरूर जुड़े रहोगे। तो अब वो फाइनल सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, वो सवाल पूछ लेता हूं गिव अवे का, कि वो कौन सा सवाल है जो आपको 5,000 रुपए आज के मैच में दिला सकता है। तो वो सवाल ये है कि आपको बताना होगा वो ऑलराउंडर, ओके, उस ऑलराउंडर का नाम बताना होगा जो आप आज के मैच में सबसे ज्यादा क्या बनाएगा, रन बनाएगा, और आज के मैच में सबसे ज्यादा क्या लेगा, विकेट लेगा आज के मैच में। और आपको उसके आगे लिख देना होगा उसका रन, मान लो वो 60 बनाता है तो 60 लिख दो, और उसके आगे लिख देना होगा उसका विकेट, लेट सपोज अगर वो लेता है दो विकेट तो आपको दो विकेट लिख देना होगा। मान लो आपको लगता है कि मार्करम वो बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है जो आज सबसे ज्यादा रन भी बनाएगा, सबसे ज्यादा विकेट लेगा, तो आप उसका नाम लिख देना कि मार्करम वो प्लेयर है जो आज रन इतना बनाएगा और वो, अच्छा चलो रन नहीं, पॉइंट लिख देता, ठीक है, पॉइंट,
कौन सा ऐसा ऑलराउंडर जो सबसे ज्यादा पॉइंट देगा, और आपको उसका नाम लिखते हुए उसका रन लिखना होगा और उसका विकेट लिखना होगा। बिल्कुल, रन और विकेट दोनों लिखना होगा। अगर आपने सही जवाब दे दिया और जिसने भी सबसे पहले सही जवाब दिया उसको 5,000 रुपए का गिव अवे मिल जाएगा। तो चलो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहना और आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप की तैयारी करना। वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आईपीएल से ज्यादा वर्ल्ड कप में आसान हो जाएंगी, और जितनी भी लर्निंग्स देता हूं मैं उस सब वहां पे काम देगा। और ध्यान देना, वादा करता हूं बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो हजारों भी उड़ाएंगे, लाखों रुपए तो कई मैच में आप उड़ाओगे, और अगर ऊपर वाले की ग्रेस रहा, अनुग्रह रहा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो करोड़ों रुपए इस वर्ल्ड कप में, आने वाले वर्ल्ड कप में जरूर उड़ाएंगे। तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहना, अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।